जो आता है वो अपना चेक कर ले कि हर कॉलेज का चल रहा है कि नहीं, कैमरा नहीं चल रहा है तो तुरंत उस कॉलेज को फोन करिए। हम बोले नहीं है सर के सामने, यहाँ एक भी शिकायत का फोन नहीं आता। इतना अनुभव है जैसे कह रहे थे कि 5 आदमी, तो चूंकि ऊपर के अधिकारियों को आप वो नहीं बता सकते। कुल मिला के हमारे 80 सेंटर बने हैं और हमारे जनपद में तकरीबन 42,500 छात्र जो हैं बोर्ड की एग्ज़ाम्स देंगे। इन सभी 80 विद्यालयों में केंद्र व्यवस्थापक हैं और साथ ही साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स नियुक्त कर दिए गए हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट सभी विद्यालयों में नियुक्त किए गए हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स रहेंगे वो हमारे भ्रमणशील रहेंगे और जो हमारे प्रश्न पत्र हैं वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक की निगरानी में खुलेंगे। जो पहले 3 दिन के एग्ज़ाम्स के हैं उनके प्रश्न पत्र ऑलरेडी सेंटर्स पे भेजे जा चुके हैं और इन सब पूरी निगरानी के लिए यहाँ DIOs के ऑफिस में एक कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है, जिसमें हमारे सभी 80 विद्यालयों में CCTV लगे हुए हैं और कंट्रोल रूम में जो कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं उन कंप्यूटर में इन सभी 80 विद्यालयों के CCTV मतलब प्रत्येक कक्ष के CCTV को यहाँ से देखा जा सकता है। तो यदि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसकी मॉनिटरिंग यहाँ से भी की जा सकती है। साथ ही साथ कंट्रोल रूम का जो फ़ोन नंबर है वो सभी लोगों को दे दिए गए हैं, तो अगर कहीं पर कोई शिकायत आती है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो सीधे कंट्रोल रूम में फ़ोन करेंगे और ये 24 घंटे संचालित रहेगी और यहाँ से उन समस्याओं का निस्तारण त्वरित रूप से कराया जाएगा।